नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं देश और विदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। बाबा अमरनाथ यात्रा आज यानी 1 जुलाई से शुरू हो रही है। पवित्र गुफा की ओर अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था शुक्रवार सुबह जम्मू से रवाना हो गया था। इस दौरान जम्मू बेस कैंप में पूरा माहौल भोले के रंग में रंगा हुआ था। बीजेपी आज राष्ट्रीय महासचिवों और सभी मोर्चों के अध्यक्षों के साथ पार्टी हेडक्वार्टर की बैठक करेगी। इसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। मीटिंग में 6, 7 और 8 जुलाई को पार्टी महासचिवों और मोर्चों के अध्यक्षों की क्षेत्रीय नेताओं के साथ होने वाली बैठक का रोडमैप तैयार किया जाएगा। देश के कई राज्य इस समय मानसून की चपेट में है। भारी बारिश के कारण स्थिति बिल्कुल खराब हो गई है। कहीं भूस्खलन हो रहा है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली एनसीआर समेत 20 राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। शहरों में स्वच्छता अभियान बनाए रखने के लिए 2016 में शुरू किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण का 8वां सीजन आज से शुरू हो गया है। बता दें, इस बार 4500 से ज्यादा शहरों को लिस्ट में शामिल किया गया है। पाकिस्तान एक बार फिर दिवालिया होने से बच गया है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF पाकिस्तान को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के तहत 3 अरब डॉलर का कर्ज देने का फैसला किया है। बता दें, IMF और पाकिस्तान की सरकार के बीच 9 महीने का स्टैम्प बॉय एग्रीमेंट हुआ है। हालांकि अभी इसे IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी मिलना बाकी है। मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा के बीच शुक्रवार सुबह से खबरें आ रही थी कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह कुर्सी छोड़ने वाले हैं। हालांकि अटकलों के बीच सैकड़ों महिलाएं इम्फाल के राजभवन के सामने पहुंची। महिलाओं ने बीरेन सिंह से इस्तीफा ना देने और हिंसा फैलाने वाले के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की। टेस्ला के CEO एलन मस्क और मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग के बीच होने वाली केस फाइल इटली के कॉलेसियम में होने जा सकती है। इटली की संस्कृति मंत्री जेनारो ने जुकरबर्ग से संपर्क किया और इटली के कॉलेसियम में फाइट होस्ट करने का प्रस्ताव दिया। मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर एक लड़के की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल वो प्लेटफॉर्म पर पटरी के पास खड़े होकर हाथ धो रहा था। इसी दौरान पटरी पर ट्रेन आ गई और लड़के की सर कटने से मौत हो गई। फिलहाल सुबह की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।